हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड मैं कमिश्नर, सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड, बेसिकली आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जो फ्रेंड आज में बात करेंगे कि अगर आप भी अपने गूगल पे का UPI पिन भूल गए हैं, एम पिन भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, पासकोड भूल गए हैं, तो कैसे चेंज करें, फॉरगेट करें एंड रिसेट करें। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड चलिए देरी की बात किए, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर फ्रेंड अगर आप गूगल पे एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सके, बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा एंड आपको स्क्रॉल करना होगा छोटा सा, ये देखिए। ठीक है, स्क्रॉल कर लेंगे या फिर यहाँ पर आपको ये लोगो मिल जाएगा आपके नाम का, वहीं पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको थोड़ा हम नीचे आकर दिखा देते हैं रिवॉर्ड के सेक्शन। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3,115 रुपये कैशबैक अर्न किया है। आप भी अर्न कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी अर्निंग हुई है मुझे। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं मेरे लिंक से तो आपको भी कुछ रुपये मिल सकते हैं, मतलब कुछ रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, कैशबैक के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि आपको लोगो पे क्लिक करना होगा एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है, तो सिंपली बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना होगा एंड फिर से ये थोड़ा प्रोसेस होगा, फिर आपको आपको अपने बैंक पे क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको UPI चेंज करने के लिए आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा, फॉरगेट UPI पिन। सिंपली फॉरगेट UPI पिन पर क्लिक कर लेंगे एंड आपको ATM के लास्ट का 6 डिजिट, आपको ATM का लास्ट का 6 डिजिट यहाँ इंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट इंटर करनी है। लास्ट का 6 डिजिट जहाँ से बता रहा हूँ वहाँ से 6 डिजिट, और एक्सपायरी डेट इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ाना होगा। आगे बढ़ाने के बाद आपके फ़ोन पर एक OTP डिटेक्ट होगा एंड देन आपको एक UPI पिन बनाने के लिए बोलेगा नया। ठीक है, तो आप एक नया UPI पिन बड़े ही आसानी से गूगल पे के जरिए बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज की मेरी वीडियो जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगे। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल बनाया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।